अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनु एंड आरू चैनल। तो हमारी समर वेकेशन ख़त्म होने वाली है, तो मम्मा पापा ने सोचा कि हम दोनों को कहीं बाहर ले जाएं। तो मम्मा पापा ने अभी बताया नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया नहीं, बस हमें गाड़ी में बैठा के चलते जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम। तो मंडी से स्कूल स्टार्ट है, तो मुझे पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो आगे देखते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यहीं से हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी अनु, दिस इज मी आरू। आप मेरे रास्ता देख के बताएंगे कि अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब बाबा हमें बता रहे हैं कि जो इस जगह पे हमें जाना है वो जगह आने वाली, तो गेट रेडी। ये देखिए सामने इतना बड़ा पाकिस्तान, हमारी कंट्री का इतना बड़ा सा फ्लैग लगा हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। फ्रेंड्स, अब हम उस जगह आ गए हैं, तो मैं समझ गई हूँ कि अब हम लोग कहाँ आए। फ्रेंड्स, ये लोग अब आप लोग हमारे हाथ में देख रहे हैं, हमारे टिकट्स हैं। तो अब हमारी एंट्री शुरू होती है। तो अब हम अंदर आ गए हैं, तो यहाँ पे इतना रश था, लो तो फिर हम अंदर जाना शुरू हुए। फ्राइडे आए हैं और यहाँ पे इतना रश है कि अगर हम लोग संडे को आते तो आज से तो रश भरा हुआ था। हम लोग फ्राइडे को आए, तो फ्राइडे को भी यहाँ पे रश भरा हुआ है। तो देखिए सन कितना प्यारा लग रहा है, वो देखो सन कितना प्यारा लग रहा है ना। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, तो यहाँ पे इतनी सर्दी भी है। तो फ्रेंड्स, अब हम म्यूजियम के अंदर एंटर हुए, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ म्यूजियम के अंदर चल के। तो गाइस, ये इनका फर्स्ट शेल्फ, तो इन्होंने इसके अंदर शील्ड्स, मेडल्स एंड ट्रॉफी रखी हुई हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग।
और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत पुरानी है, यह अभी भी चमक रही है। तो गाइस ये है हमारा सेकेंड शेल्फ, इसके अंदर इन्होंने मेजर एंड कैप्टन्स के यूनिफॉर्म्स रखे हुए हैं। तो अब इन्होंने इसके अंदर एयरक्राफ्ट को हैंग किया हुआ है। तो सारे एयरक्राफ्ट एक दूसरे से डिफरेंट हैं, कोई बड़ा एयरक्राफ्ट है, कोई छोटा एयरक्राफ्ट है। तो गाइस मुझे जल्दी से बताएं कि आपको इसमें मज़ा आ रहा है, मुझे जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताएँ। म्यूजियम के बीच में बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ था, कैमरे में इतना बड़ा नज़र नहीं आ रहा पर ये बहुत बड़ा था। तो फ्रेंड्स इन्होंने इस म्यूजियम के अंदर पाकिस्तान फोर्स का एक छोटा सा ऑफिस भी बनाया हुआ है। ये एयरक्राफ्ट के पायलट का यूनिफॉर्म। तो इन्होंने एक मोटी सी जैकेट पहनी हुई है और बेल्ट लगाई हुई है और मुंह पे ऑक्सीजन मास्क। एयरक्राफ्ट के टूटे हुए पीसेस हैं और जिनका टूटा हुआ एयरक्राफ्ट उनका नाम है। आई एम नॉट सपोज टू टेल यू, आप समझ गए होंगे ना। कादी आजम मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी यंगर सिस्टर फातिमा अली जिन्ना। इसके अंदर कादी आजम का पासपोर्ट भी था और कादी आजम ने जितने लॉस पास कराए हैं उनकी स्लिप्स भी थी। अब हम आ गए मशीनरी एरिया में। इसके अंदर कंट्रोल रूम की जितनी भी मशीन होती थी सारी वो थी और इसके अलावा काफ़ी डिफरेंट हैवी हैवी मशीन रखी हुई थी जो कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर वहाँ पर डिटेल लिखी होती तो मैं आपको ज़रूर बताती। सारी एयरक्राफ्ट की अंदर की मशीन्स हैं। ये एयरफोर्स के यूनिफॉर्म्स हैं और इनमें से सिर्फ मुझे नर्स समझ में आ रही है। अब हम इसके अपोजिट साइड जा रहे हैं तो अब मैं आपको चीजें दिखाती हूँ।
और ये है मरियम मुख्तियार और ये थी पाकिस्तानी फाइटर पायलट। ये 1992 को पैदा हुई थी और इनका एयरक्राफ्ट मिया वाली के पास क्रैश हो गया था। ही वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी फाइटर पायलट। इनको बहुत शौक था फाइटर पायलट बनने का। ये सारी इनकी पिक्चर्स हैं, ये एयरक्राफ्ट में बैठी हुई हैं। एंड दीज ऑल आर पाकिस्तानी शहीद पायलट। तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। पापा ने हमें बाहर जाके सरप्राइज दिया था। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आए हो। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो इसको कमेंट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।